सबसे पिछड़ा राज्य है, तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा, इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? तो इसलिए अपने यहाँ भी किसी के मन में कोई बात आई हम जरूर बात करेंगे, ये समझना नहीं चाहिए, ये किसी के खिलाफ है कि राज्य के हित में है, राज्य के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए ना बात है। तो अपनी तरफ से जितना काम हो रहा या केंद्र की योजनाओं के चलते जितना काम हो रहा उसके बाद अगर सचमुच राज्य को बढ़ाना, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, प्रजनन दर को कम करेंगे, सब चीज को करना चाह रहे हैं, लेकिन सब चीज को देखते हुए इस बात को मान लेना चाहिए ना कि देश में सबसे अधिक आबादी है, हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी आबादी है, सबसे ज्यादा बिहार की आबादी है। तो अभी तो प्रजनन दर घटते घटते घटेगा, कई साल लगेगा, लेकिन कुल मिला करके तो अभी अनेक वर्षों तक है। तो उसका उपाय यही है, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता राज्य के कई राज्यों को मालूम है, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य किसी कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। तो इसीलिए ये पूरी बात है, तो इसको कोई को समझ, इस बात को जान लीजिए। और हम आप लोगों से तो आग्रह करेंगे कि जो कुछ भी गया है यहाँ का पत्र, हमने तो संक्षेप में कहा, बहुत ही विकसित एक एक चीज उसमें लिख करके भेज दिया गया है कि भाई कितना काम किया गया राज्य की तरफ से, हमने कुछ संक्षेप में आपको बता दिया, इतना ज़्यादा काम किया गया है तो उससे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ग्रोथ थोड़ी हो रहा है कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि क्या होगा ग्रोथ, कितना भी पैसा होगा, अब सोचिए ना, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा और तब भी इतना आबादी है तो क्या होगा, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होने से क्या होगा, लेकिन ग्रोथ रेट भी बढ़ा रहे ना, सब कुछ हो रहा है ना, सोच लीजिए ना, 7000 से 50000 पहुँचाए ना हम लोग, 7800 से, लेकिन इससे क्या होगा काम, जब पूरे देश का 1,34,000 1,35,000 है तो उससे तो बहुत पीछे ना है, 40% से भी पीछे है ना, हम लोग 40% से है ना, उससे थोड़ा और पीछे होंगे, तो और बढ़ेगा तभी ना भाई एवरेज हो जाएगा बहुत अच्छा। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपका, आप पूछ दिए ये बात, पता नहीं प्रकार से तीन स्टेज के लोगों को रखना ना भाई, कि तीन तरह पर रखना, तो उन सभी जगहों पर पूरी की पूरी पहले की तरह की फिर से उसको तैयारी की जा रही है कि देख करके कि भाई अब इसको डिले नहीं करना, इंतजाम करके रखना, अगर कुछ भी हुआ, अगर कहीं ऐसा बढ़ना शुरू हुआ तो तत्काल उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जो हमने आपको कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि भाई ओमिक्रॉन का है या ऐसे ही कोई और मामला है, लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ रहा है कि बाहर से जो आते हैं ना उसी में ये सब मामला दिख रहा है, तो उसके लिए तो पूरा कंसर्न है, केंद्र सरकार का गाइडलाइन है, यहाँ पर है, सब टेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट से लेकर के हर जगह पर जो टेस्ट किया जा रहा है उसी में पता चल रहा है, तो वही बात आ रही है। नॉर्मल लोगों में कहीं उस तरह का केस नहीं आया अब, लेकिन कहीं बाहर का चला आया, अब कहीं अपने परिवार में गया तो एक आध जगह वही देखा गया, उसी परिवार में आया, तो इसलिए बहुत सजगता के लिए इसको हैंडल करने के लिए जो भी संभावित खतरा है, तो जेनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा और जगह हो ताकि समय रहते उसका पता चल जाए और उसको जैसे समय रहते कम किया जाए, अगर ऐसी कोई, तो इसके लिए तो पूरा का पूरा लोग अलर्ट और बात भी कर रहे हैं, आपको हम बता ही दिए, तो वह बता दीजिए कि ये ट्रीटमेंट के लिए जो कर रहे हैं जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए